हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आज अपन मन लोग बात करने वाले हैं जो टीवीएस राइडर आप लोग देख रहे हो पीछे, तो इसका परचेस किया हुआ मेरा ऑलमोस्ट आपको क्या बोल सकते हैं 1 मंथ हो चुका है, और इसके बारे में लोग फीडबैक देने वाले हैं आपको। जो मेरा ये जो है मेरा फर्स्ट बाइक है आपको, इससे पहले मेरे पास कोई भी बाइक नहीं था, और ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा वो आप लोग को शेयर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, सो गाइस, आज अपन लोग बात करने वाले टीवीएस राइडर के बारे में। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं आपको कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मेरा परचेज किया हुआ आपको ऑलमोस्ट आपको 25 से 26 डेज हो चुका है। 14 फेब को हम परचेज किए थे अपना टीवीएस राइडर, आप लोग देख सकते हैं पीछे। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेके, और अब तक आप लोग को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इससे बेहतरीन कोई गाड़ी है भी कि नहीं 125 सीसी में, लुक वाइज, माइलेज वाइज, टॉप स्पीड, जो भी देखना है आप सब कुछ को देख सकते हैं आप, और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये बाइक आप लेना चाहिए कि नहीं। गाइस, आपको ये बाइक क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला रीज़न तो आपका इसका लुक देख लीजिए आप। लुक पूरा फ्रेश लुक दिया हुआ है आपको जो टीवीएस की तरफ से, जितना भी ये देखिए इसका डिस्प्ले का कितना बेहतरीन लुक दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आपको पहला रीज़न। दूसरा आप लोग देख सकते हैं LED लाइट दिया हुआ है इसमें, और लुक देख रहे हैं आप लोग आगे का जो फ्रंट का लुक है कितना बेहतरीन है, और ये LED दिया हुआ है आपको लाइट, ये बहुत ही बेहतरीन लाया आपको नाइट में। देन ये आपको ये डिस्प्ले में जितने सारे भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है यहाँ पर, ऐसा कोई सा भी ऐसा मिस नहीं हुआ, ऐसा कोई सा भी इन्फॉर्मेशन। ये देख लीजिए आप लोग, RPM का दिया हुआ है, देन आपको किलोमीटर कितना, ये आपको ट्रिप सेट कर सकते हैं आप लोग, ट्रिप A&B दो सेट कर सकते हैं आप लोग दोनों में से कोई सा भी। देन आपको ये किलोमीटर में दिखा रहा है आपको कितना किलोमीटर ओवरऑल चल चुका है, तो आप देख सकते हैं 245 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं बाइक को, और इसका एक सर्विसिंग भी हो चुका है, तो उसका भी छोटा सा पार्ट आप लोग को हम इसमें ऐड कर देंगे ये वाले वीडियो में, ताकि आप लोग आइडिया चल जाए क्या सब करते हैं वो लोग पहला सर्विसिंग में। देन आपको ये हो गया, ये आपको हो गया कितना किलोमीटर पर आवर चल रहा है ये स्पीड में, ये टाइम हो गया। देन गियर का हो गया इन्फॉर्मेशन, देन ये साइड स्टैंड लगा हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जितने भी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लगता है कि डर डर लग जाएगा। इसमें आपको SBT यूज किया हुआ है, सिंक्रोनाइज और ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया हुआ है आपको, ये देख लीजिए आप लोग। जो आपको ब्रेक अगर हम प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पर पहला जो आगे का ब्रेक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लग रहा है, तो ये क्या करते हैं ये लोग साथ में ही दोनों को सिंक्रोनाइज, जैसे आप पीछे का ब्रेक मारोगे तो आगे का ही ब्रेक लगता है हल्का फुल्का, ताकि बैलेंस बना रहे, तो ये भी आपके एक फीचर्स में से एक है। तो उसके बाद आपको ये देख लीजिए यहाँ मोड का सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको आई थिंक इंडिया का पहला बाइक बन जा रहा है जो कि इसमें मोड का सिस्टम दिया हुआ है आपको, इको एंड पावर मोड। इको वाले मोड में आपको इजीली आपको 60 के अप्रोक्स में मिल ही जाता है माइलेज, देन पावर मोड में आपको 50 से 55 के बीच में मिल जाएगा आपको, और वो भी आपको पहला सर्विसिंग के बाद मिलेगा, उससे पहले तो आपको आई थिंक 35-40 के आसपास ही मिलता है, सर्विसिंग होने के बाद ही आपको 60 और 55 का माइलेज दिखेगा। इको मोड में 60 आराम से चल जाएगा 60, और पावर मोड में आपको 55 का। फीचर में से एक आता है आपको TVS का जो इंटेलिगो दिया हुआ है आपका, ये एक फीचर दिया डाला हुआ है, ये आपको तभी काम करेगा जब आपका इको मोड एक्टिवेट रहेगा। इको मोड एक्टिवेट रहेगा तो उसमें क्या होता है ना, आपको ये दिखा देते हैं हम, जब भी आप लोग ट्रैफिक में रुक रहे हो वहाँ पर, तो ये क्या होगा, एक असेंबल दिखा ना अभी आपको, वो एक असेंबल आ जाएगा वहाँ पर, और ये गाड़ी जो है अपने आप ही रुक जाएगा मतलब, और आपको उस टाइम में क्या करना है, बस आपको ये फिर से पावर बटन नहीं दबाना, मतलब गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना,
पास एस्केलेट करोगे आप लोग तो ऑटोमेटिक फिर से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ये टेक्नोलॉजी से मतलब होता क्या है कि आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि गाड़ी रुक गया है कहीं पर, ये आपको फंक्शनैलिटी दिया हुआ है इस चीज़ का। इसी चीज़ में अपन ऐड करते हुए एक और फीचर आपको बता देते हैं कि इसका फीचर तो नहीं है, मतलब जो एग्जॉस्ट है इसका वो देख लीजिए आप लोग, जो स्टार्ट करने के बाद जो साउंड आता है गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा और आई थिंक सभी अच्छी बातें आप लोगों को बता चुके हैं हम इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं। एक चीज़ ही मेरे को इसमें लगा है जो कि इसमें होना चाहिए था, वो है इसका जो इंजन जो किल स्विच होता है ना वो नहीं है इसमें। उसके जगह पर जो ये पावर मोड डाले हुए हैं ना ये लोग, बस कभी कभी क्या होता है ना आपको रोकना होता है, मतलब ऐसा आपको चाबी को ही ऑफ करना पड़ेगा उससे, तभी आपका वो गाड़ी ऑफ होगा, ऐसे नहीं होगा। बस एक ही चीज़ मेरे को यहाँ पर लग रहा है, बाकी सारा कुछ आपको मिल जाएगा बाइक में, ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो कि मतलब कि आपको गाड़ी नहीं लेना चाहिए उसके कारण। बस यही चीज़ है जो इंजन किल स्विच देना चाहिए था, मेरे को भी रियलाइज़ होता है कभी कभी कि होना चाहिए था वो चीज़। कॉन्स में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो इसका जो फ्यूल टैंक दिया हुआ है ना, ये आपका जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये आपको दूसरी चीज़ बोल सकते हो आप लोग। ये देखो ये दब रही, ऐसे ऐसे दबाने पर दब जाता है, ये देखिए। तो उतना क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है इसका, आपको ये जो आप देख सकते हो, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट अगर कुछ डैमेज वेमेज होता है तो आपको कल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसका कम पड़ेगा। ये आपको दूसरा चीज़ हो गया, बस और कोई चीज़ तो मेरे को नहीं याद आ रहा है अभी इसमें दिख रहा है इसमें कुछ भी ऐसा जो कि जिसके लिए गाड़ी नहीं लेना चाहिए आपको। ये देख लीजिए आप लोग अभी जो रुकी है गाड़ी को, ये देखिए एक असेंबल दिख रहा है आपको, एक असेंबल आ रहा है अभी देखिए गाड़ी रुक जाएगा अपने आप। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को, अभी क्या करना है एक्सीलेटर घुमाना है मेरे को, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो यही है आपको टीवीएस इंटेलिको का जो फीचर दिया हुआ है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपको आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और बने रहिएगा चैनल पे, हम लोग ऐसे ही रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे आपको और मिलते रहेंगे। जो आप सैंपल देख रहे हो ना ये वाला, इसका कुछ तो मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, इसको मेरे को चेक करवाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में जाके, ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था एक्चुअली। ये देखिए आप लोग, जब भी हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला सैंपल आ रहा है आपको, देखिए ये वाला रुक जा रहा है, ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए यहाँ पर,